दुनिया भर में 14 नवंबर को ज़ियाबतीस के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है और इस सिलसिले में जद्दा के मुकामी होटल के ताउन से ज़ियाबतीस से आगाही और रोकथाम के नाम से एक सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ तबका फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भरपूर अंदाज में शिरकत की। सऊदी अरब के साहिली शहर जद्दा में नामवर सऊदी जर्नलिस्ट खदीजा मलिक और मुकामी होटल के ताउन से ज़ियाबतीस से आगाही और रोकथाम के स्लोगन से सेमिनार का इनेकाद किया गया। सेमिनार से खिताब करते हुए डॉक्टर इरम खान का कहना था कि ज़ियाबतीस तेज़ी से बढ़ता हुआ एक आलमी मसला है और एक अंदाजे के मुताबिक दुनिया भर में 42 करोड़ 22 लाख अफराद उसका शिकार है और ये तादाद तेज़ी से बढ़ रही है। इन खतरात के बावजूद रोज़मर्रा ज़िंदगी में मुतवाज़न ग़िज़ा से ना सिर्फ ज़ियाबतीस से बचा जा सकता है बल्कि उसको कंट्रोल करने में भी मदद मिलती है। डेली वॉक को ज़िंदगी का मामूल बनाएं और अपनी ज़िंदगी में विटामिन सी को शामिल करें, जो कि ज़ियाबतीस को कंट्रोल करने और इससे बचने में अहम किरदार अदा करता है। फलों के जूसेस के बजाय उनको खाया जाए जो ज़्यादा मुफीद है। लो फैट प्रोडक्ट में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, लिहाजा हमें फुल फैट वाली प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना चाहिए। उन्होंने साल में एक बार HbA1c टेस्ट ज़रूर करवाने का कहा और इस बात पर जोर दिया कि इंसुलिन को ज़ियाबतीस की तशखीस के साथ ही इस्तेमाल करना शुरू कर दें। उन्होंने इंसुलिन को मेडिकल साइंस में एक नेमत से तशबीह दिया और कहा कि इसके इस्तेमाल से गुर्दों की ज़िंदगी में 10 साल तक का इजाफा हो जाता है। कनाडा से फार्मासिस्ट डॉक्टर शमामा अरूस खान ने ज़ियाबतीस से सेहत पर होने वाली आम पेचीदगियों के बारे में आगाही फराहम की, जिसमें दिल की बीमारी, गुर्दे की दायमी बीमारी, आसाबी नुकसान और पाँव के साथ दीगर मसाइल, बसारत समात और दिमागी सेहत शामिल हैं, जिसमें मुसलसल हाई ब्लड प्रेशर और हाई शुगर भी ज़ियाबतीस की पेचीदगियों का बाइस बन सकता है। आज का मेरा मैसेज इस वर्ल्ड डायबिटीज़ मंथ के ऊपर आप सबके लिए सिर्फ यही है कि अपने आप को इस बीमारी से और इस परेशानी से घबराए बगैर इसका सामना करें, कोशिश करें। अगर आप प्री डायबिटिक विंडो में हैं या डायबिटिक विंडो में हैं, इन दोनों को रिवर्सिबल करें और इसको अपनी डायबिटी लाइफस्टाइल से, अपने रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ योर ब्लड वर्कआउट्स, ऑफ योर रिजीम, जिससे आप इसको जो है वो लेके चल रहे हैं, उसी के थ्रू इसको कंटिन्यू कीजिए। और सबसे ज़्यादा अहम चीज़ जो इसमें ये है कि रेगुलर फॉलो अप ऑफ योर डिजीज़ इज सेल्फ चेकअप, कि जिसमें आपको पता होता है, शख्स को पता होता है कि वो किस एक लिमिटेड विंडो के अंदर अपने आप को समझता है कि वो सेफ है। ठीक है, तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिए और घबराएं नहीं और इससे लड़ें। और आतिफ अली, वट टू न्यूज़ टाइम, जद्दा, सऊदी अरब।